नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ बहुत चर्चित चेहरे हैं वीर सिंह जी, जो हमेशा बहुजन समाज के लोगों की बात करते हैं और बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका स्वागत है वीर सिंह जी। धन्यवाद जी। वीर सिंह जी, भारतीय समाज निर्माण संघ BSNS की आपने इसकी एक संरचना करी और इसका निर्माण करा, इसके निरंतर कार्य चलते रहते हैं, तो ये क्या उद्देश्य को लेकर आपने इसको संगठन को तैयार करा? क्योंकि आज बहुत सारे संगठन देश के अंदर हैं, तो सबका अपना अपना कार्य है, लेकिन इस संगठन का क्या विशेष कार्य है वो बताएं। हाँ, एक तो इसमें यह है कि ये हमने 25 दिसंबर 1914 को इसकी स्थापना की जी, और तब से आज तक हम लगातार समाज में इस संगठन को लेकर, इसके उद्देश्य को लेकर लगातार आज तक काम कर रहे हैं लगातार जी। इसका उद्देश्य जो हमने डिसाइड किया और जो हमें समाज में कमी लगी कि भारत में हमारा समाज नहीं है, समाज के टुकड़े 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 हैं जी, जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है जी। तो और वो जातियाँ ऐसी बनी हुई हैं, ऐसी बना दी गई हैं कि किसी जाति का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। मैं तो हर जगह उदाहरण देता हूँ कि ये जातियाँ नहीं हैं, ये आर्य ब्राह्मणों की यहाँ के मूल निवासियों के लिए सामाजिक जेल है जी। जैसे तिहाड़ जेल है, अम्बाला जेल है, बादली जेल है, गुड़गावा जेल है, अलग अलग जेल हैं, और एक जेल का कैदी जैसे दूसरी जेल में नहीं जा सकता, एक जेल का कैदी जैसे दूसरी जेल के कैदियों के बारे में नहीं जान सकता, उनको देखता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, वो कैसी हालात में रह रहे ये भी उसे नहीं पता। ठीक ऐसे ही जो आर्य ब्राह्मणों की बनाई हुई भारत में मूल निवासियों के लिए ये सामाजिक जेल है, जिसमें यहाँ के मूल निवासियों को जाति नाम की अलग अलग जेलों में डाला गया है, और जो सजा दंड यातनाएं जेल में एक कैदी और गुनहगार को दिए जाते हैं, वही दंड और यातनाएं और अपमान इन जातियों की जेल में बंद SC ST OBC के माइनॉरिटी के सभी लोग भुगतते आए हैं, आज भी भुगत रहे हैं। अगर इन जेलों को, जातियों की जेल को तोड़कर हमने एक समाज का निर्माण नहीं किया तो आगे भी हम भुगतते रहेंगे, इन दंड को, अपमान को, जुल्मों को आगे भी भुगतते रहेंगे। इसको तोड़कर एक समाज बनाया जाए इस देश में, विशेषकर मूल निवासी बहुजन समाज बनाया जाए। मूल निवासी बहुजन समाज की बात भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये जेल की व्यवस्था बनाई है वो 15% वो इनके हित में, वो तो इसको तोड़ेंगे नहीं, 90% जो यहाँ का मूल निवासी है जिनके अहित में जाति व्यवस्था है वो ही इसको तोड़ेंगे। इसलिए पहले उन्हीं को मूल निवासी बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, फिर ये 10 या 15% भी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको स्वीकार और समाज को करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।